इफ़ इस्कीमिया और हाइपोक्सिया इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द सेल कैन बी रिवर्टिंग बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन विच इज़ नोन एज आर सी आई और रिवर्सिबल सेल इंजरी सो गाइज यहाँ पे इस्कीमिया और हाइपोक्सिया एक स्ट्रेस है जैसा कि मैंने सेल इंजरी के डेफिनेशन में भी समझाया है सो तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर इसकीमिया या फिर हाइपोक्सिया जैसे कोजिटिव एजेंट किसी सेल पे शॉर्ट टाइम के लिए डालते हैं और देन हम रिमूव करते हैं और सेल अपनी रिवर्टिंग बैक टूट्स नॉर्मल कंडीशन अपनी नॉर्मल कंडीशन में दोबारा आ जाती है तो उसे ही हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो केमिकल एंड अल्ट्रास्ट्रक्चुरल चेंजेस इन रिवर्सिबल सेल इंजरी सो गाइज यहाँ कह रहा है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में किसी भी सेल में कौन कौन सी बायोकेमिकल और अल्ट्रास्ट्रक्चुरल चेंजेस आती हैं सो गाइज सबसे पहले हम बायो केमिकल चेंजेस के बारे में जानेंगे सो गाइज बेसिकली रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं वो एट होती हैं आठ चेंजेस लाइन बाय लाइन होती हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है so, डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज सेल्स aerobic respiration by ड्यू टू डिक्रीज decreased टी generation. जनरेशन यहाँ बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है दोस्तों कि किसी भी सेल में अगर हम उसका सप्लाई जो ऑक्सीजन का है उसे कम कर दें जैसे हाइपोक्सिया या स्कीमिया के कंडीशन में होता है सेल्स में जो है ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है सो so गाइज तो वहाँ क्या होगा कि जो सेल एरोबिक रेस्परेशन नॉर्मली करती है वो भी तो कम हो जाएगा अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा सो गाइज so वही कह रहा है कि डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सप्लाई कम करने पर डिक्रीज सेल एरो रेस्परेशन बाई माइट्रोकोंड्रिया ड्यू टू डिक्रीज ए टी पी जनरेशन यहाँ वही कह रहा है कि अगर किसी भी सेल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम करेंगे तो उसका जो सेल का एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कम हो जाएगा और अगर एरोबिक रेस्परेशन कम होगा दोस्तों तो माइट्रोकोंड्रिया सेल का ए टी पी का जो जनरेट कर रहा है वो प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा सेकेंड चेंजिंग है दोस्तों टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस टू जनरेट ए टी पी यहाँ कह रहा है दोस्तों कि एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो हमारी सेल्स होती है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करने लगती है जिससे ए टी पी का जनरेशन पुनः होने लगता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब होता है दोस्तों इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोस्टिक एसिड वेंद ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल मतलब ये दोस्तों जब हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है तो हमारी सेल्स क्या करती है जो स्टोर हुआ ग्लूकोज होता है या ग्लाइकोजन होता है उसको ट्रांसफॉर्म करके लैक्टिक एसिड में बदलने लगती है और एटीपी को जनरेट करती है थर्ड चेंजिंग है दोस्तों डिक्रीज ग्लाइक्रोजन लेवल अब आप देखिए आपने सेकंड कंडीशन में देखा था दोस्तों कि वहाँ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता हो रहा था जैसा कि मैंने बताया था तो वहाँ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था ग्लूकोज और जो हमारा आ, अदर कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लाइकोजन वो सब ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड में बदल गए थे तो यहाँ वही बता रहा है थर्ड कंडीशन में डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल दिस रिजल्ट इन इंक्रीज अकूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दस डिक्रीजेज इंट्रा सेलुलर पी बहुत ही कॉमन बात बता रहा है दोस्तों यहाँ कह रहा है कि ग्लाइकोजन लेवल जो है तीसरे कंडीशन में बहुत डाउन हो जाता है डिक्रीज हो जाता है और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो ये होते हैं कि लैक्टिक एसिड बहुत ही इंक्रीज हो के अकूमुलेट करता है इकट्ठा हो जाता है और जब लैक्टिक एसिड किसी सेल में दोस्तों इकट्ठा हो जाता है तो उसका जो सेल का इंट्रा सेलुलर पी है वो बहुत कम हो जाता है और फोर्थ कंडीशन जो है इससे ही सिमिलर है दिस काउज़ क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन और दोस्तों जब उसका किसी भी सेल का इंट्रा सेलुलर पी डिक्रीज होता है तो उस सेल के जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन होते हैं वो क्लम्पिंग करने लगते हैं दोस्तों फिफ्थ कंडीशन है दोस्तों डिक्रीज ए टी पी काउज फेलर ऑफ एनर्जी रिक्वायरिंग सोडियम पंप यहाँ कह रहा है दोस्तों जब ए टी पी डिक्रीज हो जाता है तो जो सोडियम पोटेशियम पम्प है उसको करने के लिए दोस्तों जो एनर्जी चाहिए सेल को वो भी कम हो जाती है डैट्स वाई वो सोडियम पोटेशियम पंप को वर्क नहीं कर पाता दे आर बाई काउजिंग और जिसके कारण अकूमेशन ऑफ सोडियम एंड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड द सेल रिजल्टिंग इन सेलुलर स्वेलिंग जिसके कारण सोडियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारे सेल्स के अंदर और पोटेशियम जो होता है वो सेल के बाहर ही रह जाता है जिसके कारण सेलुलर स्वेलिंग होती है नॉर्मली दोस्तों सोडियम पोटेशियम पर, पंप का यही वर्क होता है कि सोडियम को सेल से बाहर करे और पोटेशियम को सेल के अंदर लेता है ठीक है बट जब हमारा ए ही दोस्तों डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास एनर्जी ही नहीं रहेगा हमारे सेल के पास वो सोडियम पोटेशियम पंप कर नहीं पाएगा जिसके कारण सोडियम जो है सेल के अंदर ज़्यादा एकूमुलेट होगा और पोटेशियम जो है सेल के अंदर पहुंच नहीं पाएगा जिसके कारण सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी हमारे सेल को सिक्स कंडीशन है फ्रेंड्स इफ हाइपोक्सिया कंटिन्यूस इंट्रा सेलुलर प्रोटीन सिंथीज है ड्यू टू डैमेज टू राइबोसोम एंड पॉलिसोम यहाँ कह रहा है दोस्तों अगर सेपोक्सिया कंटिन्यू बना रहा तो जो हमारे सेल्स के राइबोसोम और पॉलिजोम्स होते हैं वो दोस्तों डैमेज हो जाएंगे और राइबोसोम अगर डैमेज हो जाएगा तो प्रोटीन का सिंथेजीज भी दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा सेवंथ बायोकेमिकल चेंजेस है दोस्तों कंटिन्यू हाइपोक्सिया सेल यहाँ कह रहा है दोस्तों अगर सेल पर हाइपोक्सिया कंटिन्यू बना रहा तो क्या होगा जो सेल का साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि सेल मेंब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पर ही माइक्रोविलीस लगे होते हैं अटैच होते हैं सो so, दोस्तों वो भी लॉस uh, uh, हो जाएंगे दोस्तों ठीक है वो अपना फंक्शन खो देंगे साइटोस्केलेटल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब्स और जो है दोस्तों सेल के सरफेस पे ब्लेप्स बनने लगते हैं बबल्स टाइप के लास्ट बायोकेमिकल चेंजेस दिस स्वेलिंग रिजल्ट इन स्वेलिंग एट माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड ई आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ कह रहा है दोस्तों की ये जो सातवें कंडीशन में स्वेलिंग हुई थी सेल पर इसका जो परिणाम होगा उसका रिजल्ट ये होगा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया और सेल की जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर भी स्वेलिंग आ जाता है सो so गायज ये बायोकेमिकल चेंजेस थी किसी भी सेल्स की रिवर्सिबल सेल इंजरी में सो गायज सिक्वेंसुअल चेंजेस का सेकेंड अल्ट्रास्ट्रक्चुअल चेंजेस सो गाइज बेसिकली अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस में फोर चेंजेस होती हैं हमारे सेल के स्ट्रक्चर में सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं देन माइट्रोकॉन्डिया देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन लास्ट इज न्यूक्लियस सो गाइज इंडो रेटिकुलम में क्या चेंजेस होती हैं देर इज डीटैचमेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड पॉलिजोम्स फ्रॉम सर्फेज ऑफ रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है दोस्तों कि जो है यहाँ पे क्या होता है पॉलीजोम्स मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम बहुत सारे राइबोसोम्स जब मिलकर दोस्तों इकट्ठा होते हैं तो उन्हें हम पॉलीजोम्स कहते हैं सो so गाइज यही यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे पॉलीजोम जो होती हैं वो हमारी रफ इंडो रेटिकुलम में अटैच नहीं हो पाती हैं बिकॉज रफ इंडो रेटिकुलम में स्वेलिंग आ जाती है देन सेकेंड माइट्रोकॉन्ड्रिया देर इज माइट्रोकॉन्ड्रियाल स्वेलिंग एंड फास्टफोलिपिड रिच एमॉरफस डेंसिटी इज हियर सो गाइस थर्ड इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉस ऑफ माइक्रोवेली एंड प्रोजेक्शन ऑफ ब्ले टेक प्लेस इसमें क्या होता है जो हमारी माइक्रोवेली है वो लॉस हो जाती है और हमारे सेल के सर्फेस पे ब्लेप्स बन जाते हैं बेसिकली so यही कह रहा है कि जो हमारे न्यूक्लियस के ग्रेनूल्स होते हैं और फिबलर कम्पोनेट्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं सिगरेट करने लग जाते हैं जिसकी वजह से राइबोसोमल आर का जो प्रोडक्शन है डिक्रीज मतलब सिंथेसिस है वो भी डिक्रीज होने लगता है सो गाइज हियर इज द इिवर्सिबल सेल इंजरी सो सबसे पहले हम इिवर्सिबल सेल इंजरी की डेफिनेशन जानेंगे परसिस्टेंस ऑफ एन इंजूरियस स्टूमुलस रिजल्ट इन इर डैमेज टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल सेल डेथ इज नोन एज इिवर्सिबल सेल इंजरी परसिस्टेंस मतलब होता है दोस्तों कंटिन्यूसली कोई चीज़ करने को परसिस्टेंस कहते हैं सो गाइज यहाँ यही कह रहा है कि किसी भी सेल परसिस्टेंस कंटिन्यूसली अगर हम कोई इंजूरियस स्टूमुलस दें मतलब ये कि कोई स्ट्रेस डाल दें जैसे हाइपोक्सिया या इसकीमिया तो क्या होता है कि सेल जो दोस्तों सेल के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं और जो सेल का फंक्शन होता है वो इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है मतलब ये दोस्तों कि अगर बाद में हम उस सेल से जो भी हमने इंजूरियस स्टूमलस दिया जैसे कि हाइपोक्सिया या इस्कीमिया अगर वो हम बाद में हटाते हैं तो भी वो सेल अपने पहले कंडीशन में नहीं आएगी सेल की डेथ हो जाएगी उसी को हम इिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं वाइल दोस्तों रिवर्सिबल सेल इंजरी इसका उल्टा है उसमें अगर आप उस सेल को स्ट्रेस दे रहे हैं हाइपोक्सिया या इस्कीमिया दे रहे हैं कोई भी इंजूरियस स्टूमलस दे रहे हैं सेल को और कुछ समय पश्चात आप हटा लेते हैं वो अपना स्ट्रेस उस सेल से तो वो सेल अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है बट इन इिवर्सिबल सेल इंजरी यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है बिकॉज इसका नाम ही इ है यहाँ पर रिवर्सिबल नहीं होता है कोई भी फंक्शन पहले जैसा नहीं करता है सेल सेल की डेथ हो जाती है इ रिवर्सिबल सेल इंजरी में दैट्स वाई इिवर्सिबल सेल इंजरी को हम आल्सो नोन एज सेल डेथ जानते हैं सेल डेथ अकर्स इन द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑक्टोलाइसिज एंड एप्टोसेज यहाँ कह रहा है दोस्तों कि इ रिवर्सिबली कोई सेल जब इंजरी होती है इंजर्ड होती है तो जब सेल की डेथ होती है तो वो तीन फॉर्म में हो सकती है पहला है नेक्रोसिस, सेकेंड ऑटोलाइसिस एंड एपेप्टोसिस इन तीनों फॉर्म में इ रिवर्सिबल सेल इंजरी की सेल डेथ होती है टू एसेंशियल फिनोमिना ऑलवेज डिस्टनग्योस इ रिवर्सिबल फ्रॉम रिवर्सिबल सेल इंजरी गाइज यहाँ कह रहा है कि दो ऐसे फिनोमिना हैं जो हमेशा इिवर्सिबल सेल इंजरी को रिवर्सिबल सेल इंजरी से अलग करते हैं सो so सोगाइज़ आज हम जानेंगे वो कौन से दो फिनोमिना हैं जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी और रिवर्सिबल सेल इंजरी में डिफरेंस दिखाते हैं सो सोगाइज़ फर्स्ट है इनबिलिटी ऑफ द सेल टू रिवर्स माइट्रोकोंडियल डिस्फंक्शन यहाँ कह रहा है दोस्तों कि सेल के पास वो क्षमता नहीं रहती है कि वो माइट्रोकोंडिया के डिसफंक्शन को फिर से नॉर्मल कर सके जबकि ऑन रिपरफ्यूजन और रीऑक्सीनेशन जबकि आप माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से रिपरफ्यूजन दे रहे हैं रिपरफ्यूजन मतलब होता है फिर से आपने उसे नॉर्मल नॉर्मली ब्लड फ्लो दिया और रीऑक्सीजिनेशन मतलब हुआ कि ऑक्सीजन दोबारा उसे प्रोवाइड कराया बट फिर भी माइट्रोकोंड्रिया सेल का रिवर्स बैक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता है देन सेकेंड है दोस्तों डिस्टर्बेंस इन सेल मेम्ब्रेन फंक्शन सो गाइज इरिवर्सिबल सेल इंजरी के सेल्स में यही कह रहा है कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती हैं